गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है वो व्यू जिसकी मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि इस होटल की छत से 9 पिरामिड्स का नज़ारा होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारे 9 पिरामिड्स हैं, जिसमें छोटे हैं पहले, फिर ये 3 बड़े हैं और फिर बाद में पीछे छोटे। सो कहा जाता है कि ये एक ग्रैंडफादर है, फिर फादर है और फिर एक ग्रैंडसन। तो वहाँ पर चलकर देखते हैं और जानते हैं इनके नाम और आपको बताते हैं। अभी फ़िलहाल ये मेरे होटल की रूफ है और यहाँ पर भी ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ के मेन्यू क्या क्या है। गाइस, पहुंच चुका हूं गीज़ा में और यहां पिरामिड्स के बिल्कुल पीछे, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां पर एक सौदा चल रहा है। इससे बात हो रही है कि हमें ले जाए और सारे ये हमें 9 के 9 पिरामिड्स विजिट करवाए और देखो क्या बात बनती है इससे। बाकी हम सो एक्साइटेड, अंदर जाकर आपको बताते हैं और दिखाते हैं बाकायदा। गाइस, बात चल रही है इससे लेकिन बात बन नहीं पा रही है क्योंकि ये लोग यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा पैसे बोलते हैं और जो है वो इतने ज़्यादा पैसे देना ठीक भी नहीं है। लेकिन आप खैर, इससे बात हो रही है कि शायद घोड़े पर घोड़ा हमें दे दे और हम घोड़े पर उसकी राइड करते हुए जाएं। लेट्स सी क्या होता है, देखें। खैर, अच्छा लड़का है ये भी, बट इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं होने चाहिए। जो मुनासिब हो वही होना चाहिए क्योंकि टूरिस्ट हैं। अगर टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो किसी मकसद से आते हैं, तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए। अगर इस तरह से ज़्यादा और गैर इखलाकी तौर पर इस तरह के काम होंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए भी और हमारे लिए भी। तो देखें क्या होता है, समझा रहा हूँ। हुआ ये कि मैंने पहले यहाँ से वीडियो देख रखी थी, मुझे पता है कि किस तरह से स्कैम करते हैं, यहाँ पर आते हैं और ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। तो ये मेरा एक दोस्त है जो पीछे से बात कर रहा है उसमें अरबी में, तो देखें कि क्या होता है और इसने ज़्यादा ही पैसे बोले हैं। हम लोग खैर एग्री तो नहीं है, लेकिन हम घोड़े के लिए एग्री हैं कि अगर ये मान जाता है इतने पैसों के अंदर तो हम इंडिविजुअली घोड़ों पर जाकर और घोड़े के लिए घोड़े की राइड कर सकते हैं। घोड़े हैं और इन्होंने कहा है कि घोड़ों पर जाकर हम 9 पिरामिड्स व्यू करेंगे, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। लेट्स सी, आइए आपको बताते हैं हॉर्स राइडिंग करते हुए, व्लॉगिंग करते हुए। गाइस, बात हो गई इससे और मैं आपको बताता हूँ, इससे बात हुई है 500 में ये दो घोड़े जो आप मेरे साथ देखते हैं, ये वाला और एक मेरा दोस्त। इस घोड़े का नाम सिंधबाद और उसका नाम है जो वाइट वाला जिस पर मैं पहले बैठा था, उसका नाम है कैलाश। और ये है अब्दुल करीम साहब जिन्होंने बहुत अच्छा ट्वीट है। हाय अब्दुल करीम। गाइस, ये खफू है, ठीक है, इसके बीच साथ ये खफरा है और इसके पीछे इसके साथ मनकारा है। ये 3 नाम हैं बड़े पिरामिड्स के जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। गाइस, हम लोग फिनिक्स में अवेलेबल हैं और हम अब जा रहे हैं टुवर्ड्स बाहर, वहाँ से भी आपको एक ओवरऑल व्यू दिखाएंगे पिरामिड्स का। Why you are touching me again? Yes. What is this? There.